आपका YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं स्क्वायर किस तरीका से हम फाइंड करते हैं, आइए उस पर वर्क करते हैं। तो आपको आज सिखाने वाले हैं 25 से लेकर 200 तक स्क्वायर किस तरीका से निकाला जाता है, उस पर वर्क करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 25 से 50 के बीच में अगर स्क्वायर निकालना हो तो बेस हम, ध्यान दीजिएगा, 25 से 50 के बीच में अगर स्क्वायर निकालना हो तो बेस हम बनाते हैं 50 को और 50 से तुलना करते हैं। 50 से जितना कम रहेगा उतना हम 25 में लेस करेंगे और अंत में जितना कम उसी का स्क्वायर करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, 49, 50 से कितना कम, 1, 25 में 1 घटाएंगे तो 24, 1 का स्क्वायर 1 ना बोल के 0, 1 बोलेंगे, क्योंकि जब भी लेगा तो पेयर, ना तो पेयर से ज्यादा लेगा ना पेयर से कम लेगा। नेक्स्ट 48, 50 से कितना कम ये, तो 2, 25 में 2 घटाएंगे तो 23, और 2 के स्क्वायर 4 ना बोल के 0, 4 बोलेंगे, 2 के स्क्वायर 4 ना बोल के 0, 4 बोलेंगे, जब भी लेगा पेयर, ना तो पेयर से ज्यादा ना पेयर से कम। नेक्स्ट 45, 50 से कितना कम है ये, तो 5, 25 में 5 घटाएंगे तो 20, 5 के स्क्वायर 25, 50 से ये कितना कम है तो 5, 25 में 5 घटाएंगे तो 20, 5 के स्क्वायर 25, जब भी लेगा पेयर, ना तो पेयर से ज्यादा ना पेयर से कम। नेक्स्ट 42, 50 से कितना कम है ये, 8, 25 में 8 घटाएंगे तो 17, 8 का स्क्वायर 64। नेक्स्ट 38, ये 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है, 12, ये 50 से 12 कम, 25 में 12 घटाएंगे तो 13, अब 12 के स्क्वायर 144, 1444, जानते हैं ये तो ना तो ये पेयर से ज्यादा लेगा ना ये पेयर से कम लेगा, जब भी लेगा पेयर लेगा। तो आज जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या था, पेयर नहीं था तो हम जीरो लगा के पेयर बनाए, तो जो पेयर है डायरेक्ट पुट करिए, जो पेयर से कम उसको जीरो लगा के पेयर बनाइए, और जो पेयर से ज्यादा है तो एक अंक इसके साथ कंबाइन करके प्लस कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 1444। नेक्स्ट ध्यान देंगे आप, 36, ये 50 से कितना कम है तो 14, 25 में 14 घटाएंगे तो 11, अब 14 का स्क्वायर 196 तो 1296। नेक्स्ट ध्यान देंगे 30 आपका 4, ये 50 से कितना कम है तो 16, 50 से जितना कम रहेगा उतना 25 में लेस करेंगे तो 50 से 16 कम, 25 में 16 घटाएंगे तो 9, और 16 का स्क्वायर 256 जिसको बोलेंगे 1156, क्या बोलेंगे 1156। नेक्स्ट 32, ये 50 से 18 कम, 25 में 18 घटाएंगे 7, 18 के स्क्वायर 324 जिसको बोलेंगे 1024, ये जब भी लेगा पेयर, ना तो पेयर से ज्यादा ना पेयर से कम। नेक्स्ट 28, ये 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम तो बोलेंगे 22 कम, 25 में 22 घटाएंगे तो 6, 25 में 22 घटाएंगे 6 नहीं 3, अब 22 के स्क्वायर 484 जिसको बोलेंगे 784, जिसको क्या बोलेंगे 784, ये 50 से कितना कम है तो 22, 25 में 22 घटाएंगे तो 3, 22 का स्क्वायर 484 जिसको बोलेंगे 784। नेक्स्ट 26, ये 50 से कितना कम है, 50 से ये 24 कम, 25 में 24 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 24 के स्क्वायर 576 जिसको बोलेंगे 676, तो बीच में डिस्टेंस दिए। ऐसा नहीं सोचिएगा कि जिसको हम नहीं बताएं तो उसका स्क्वायर नहीं होता, बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट से आप बनाइए बिल्कुल बनेगा। अब चलते हैं 25 टू 50 के बीच, ये था 25 से 50 के बीच, अब चलते हैं 50 से 75 के बीच, सारा कॉन्सेप्ट वही लागू होगा। 50 टू 75 ध्यान लेंगे, 50 से कम था तो हम 25 में माइनस किए, 50 से ज्यादा रहेगा तो 25 में प्लस करेंगे। जैसे ध्यान लेंगे 51, 50 से कितना अधिक है 1, 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 50 से 1 ज्यादा 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 1 का स्क्वायर 1 ना बोल के 0, 1 बोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ना बोल के 0, 1 बोलेंगे, जब भी लेगा पेयर लेगा, ना तो पेयर से ज्यादा ना पेयर से कम। नेक्स्ट 55, ये 50 से कितना अधिक है तो 5, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, और 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट 58, ये 50 से कितना अधिक है, जितना अधिक 50 से रहता है 25 में प्लस कर देते हैं,
पचास से कितना देखा, आठ, पच्चीस में आठ जोड़ेंगे तैतीस, आठ का स्क्वायर सिक्स फोर। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा आपका 62, ये 50 से कितना अधिक है, 12, 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37, और 12 के स्क्वायर 144 जिसको बोलेंगे 3844, क्या बोलेंगे 3844। नेक्स्ट ये 50 से कितना अधिक है, 14, 25 में 14 जोड़ेंगे 39, और 14 के स्क्वायर 196 जिसको बोलेंगे 4096, क्या बोलेंगे जिसको 4096। जब भी लेगा पेयर लेगा, ना तो पेयर से ज्यादा ना पेयर से कम। नेक्स्ट 72, ये 50 से कितना अधिक है, ये 50 से कितना अधिक है, 22, 25 में 22 जोड़ेंगे तो 47, और 22 का स्क्वायर 484 तो 5184, 22 का स्क्वायर 484 क्या बोलेंगे 5184। आपका 25 से लेकर 50 में जो आपका 50 से जितना कम था, हम 25 में ले सकें, ये 50 से 75 के बीच का है, तो 50 से जितना ज्यादा रहेगा हम 25 में उतना प्लस करेंगे और अंत में उसी का स्क्वायर करेंगे। 50 से कितना अधिक है, एक, 25 में जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा 26, एक का स्क्वायर एक ना बोल के 01। 50 से कितना अधिक है, पाँच, 25 में पाँच जोड़ेंगे 30, पाँच का स्क्वायर 25। 50 से कितना अधिक है, आठ, 25 में आठ जोड़ेंगे 33, आठ का स्क्वायर 64। नेक्स्ट 50 से कितना अधिक है, 12, 25 में 12 जोड़ेंगे 37, 12 के स्क्वायर 144। नेक्स्ट 50 से कितना अधिक है, 14, 25 में 14 जोड़ेंगे तो 39, 14 का स्क्वायर 196। नेक्स्ट 50 से कितना अधिक है, 22, 25 में 22 जोड़ेंगे 47, 22 का स्क्वायर 484 जिसको बोलेंगे 5184। तो 50 से जितना ज्यादा है क्या करते हैं, 25 में प्लस करते हैं और अंत में जितना ज्यादा उसी का वर्ग करते हैं। नेक्स्ट 75, ये 50 से कितना अधिक है, तो 50 से 25 ज्यादा, 25 में 25 को जोड़ेंगे तो 25 में 25 को जोड़ेंगे तो 50, और 25 के स्क्वायर 625 जिसको बोलेंगे 5625। नेक्स्ट एक बीच में 68 ले लेते हैं, ये 50 से कितना अधिक है, 18, 25 में 18 जोड़ दिया जाए, 25 में 18 जोड़ देंगे 43, 18 के स्क्वायर होता है 324 जिसको बोलेंगे 4624, क्या बोलेंगे 4624। नेक्स्ट आप ले सकते हैं 64, ये 50 से कितना अधिक है, 14, 25 में 14 जोड़ेंगे तो 39, और 14 का स्क्वायर होता है 196 जिसको बोलेंगे 4096। तो ये 50 से 75 के बीच में 50 से जितना ज्यादा था हम 25 में प्लस किए और अंत में जितना ज्यादा उसी का वर्ग किए। तो काम करिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 75 टू 100 के बीच कैसे निकालते हैं बताते हैं। आइए चलते हैं 75 टू 100 के बीच हम किस तरीका से स्क्वायर फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे रूल आपका चेंज होगा क्योंकि अब 50 से तुलना नहीं करेंगे, अब 100 से हम बनाएंगे, बेस बनाएंगे 100 को और 100 से तुलना करेंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा 75 टू 100, 99, अब ध्यान दीजिएगा 99, अब बेस 100 बनाएगा। आप 50 से भी बना सकते हैं लेकिन 50 और 99 के बीच का फासला 49 है। क्या 49 का स्क्वायर याद है आपको? नहीं, इस वजह से हम थोड़ा सा डिस्टेंस को कम करते हैं। तो हम बेस अब 100 को बनाएंगे और 100 से तुलना करेंगे, जैसे 99, 100 से कितना कम, एक, एक ही सिम घटाएंगे 98, एक का स्क्वायर एक ना बोल के 01 बोलेंगे क्योंकि जब भी लेगा पेयर लेगा, ना तो पेयर से ज्यादा ना पेयर से कम। नेक्स्ट 98, 100 से कितना कम है ये, तो दो, दो इसी में लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, और दो के स्क्वायर चार ना बोल के 04 बोलेंगे, दो के स्क्वायर चार ना बोल के 04 बोलेंगे क्योंकि जब भी लेगा तो पेयर, ना तो पेयर से ज्यादा ना पेयर से कम। नेक्स्ट 96, ये 100 से कितना कम है, तो चार, चार इसी में लेस करेंगे तो 92, चार का स्क्वायर 16। नेक्स्ट 92, ये 100 से कितना कम है, तो बोलिएगा 8 कम है, तो 8 इसी में लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताइए 84, 8 का स्क्वायर 64। नेक्स्ट 88, 100 से ये 12 कम है, 88 में ही 12 को लेस करेंगे तो 76, और 12 के स्क्वायर कितना होता है
144 जिसको बोलेंगे 77-44। जब भी लेगा पेयर लेगा, ना तो पेयर से ज्यादा लेगा ना पेयर से कम लेगा। ध्यान दीजिएगा ये एक्चुअली ये 3 डिजिट अंक है, तो एक अंक इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 7744। नेक्स्ट 85, ये 100 से 15 कम है, 15 इसी में लेस करेंगे, तो 70 और 15 के स्क्वायर क्या आता है आपका 225, जिसको बोलेंगे 72-25। क्या बोलेंगे 72-25। नेक्स्ट अब ये बताइए ये 100 से कितना कम, 19 इसी में लेस करेंगे तो आपका जगह 62, और 19 का स्क्वायर जितना कम उसी का स्क्वायर करते हैं, तो 19 का स्क्वायर 361, इसको बोलेंगे 65-61। क्या बोलेंगे इसको 65-61। नेक्स्ट 78, ये 100 से कितना कम है, 22 इसी में लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 56, और 22 का स्क्वायर 484। ध्यान दीजिएगा 22 अगर इसी में हम लेस कर दें तो कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब आएगा सर 56। ठीक है, अब 22 का स्क्वायर 484, जिसको बोलेंगे 60-84, कितना बोलेंगे 60-84। नेक्स्ट 75, ये बताइए 100 से कितना कम है, 25 इसी में लेस कर देंगे तो 50, अब 25 के स्क्वायर 625, इसको बोलेंगे 56-25, इसको क्या बोलेंगे 56-25। तो 100 से कम था तो क्या कि उसी में हम लेस करके जितना कम था उसी का वर्ग किए। अब हम चलते हैं 100 से लेकर 200 के बीच में स्क्वायर किस तरीका से निकालते हैं, तो सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे है जो भी बता चुके हैं, बस फर्क यही है कम था 100 से तो माइनस किए, अगर 100 से अधिक है तो प्लस करेंगे। जैसे 101, सेम कंडीशन, बस कम था तो माइनस कर रहे थे, अब क्या अधिक है तो प्लस करेंगे, तो 100 से कितना ज्यादा ये एक इसी में जोड़ेंगे तो 102, एक का स्क्वायर एक ना बोल के 01 बोलेंगे, क्योंकि जब भी लेगा पेयर लेगा ना तो पेयर से ज्यादा ना पेयर से कम। नेक्स्ट 100 आपका 2, 100 से कितना अधिक है तो 2 इसी में प्लस करेंगे तो 104, और 2 के स्क्वायर 4 ना बोल के 04 बोलेंगे, क्योंकि जब भी लेगा पेयर ना तो पेयर से ज्यादा ना पेयर से कम। नेक्स्ट 100 आपका 5, 100 से कितना अधिक है तो 5 इसी में जोड़ेंगे तो 110, और 5 के स्क्वायर 25। नेक्स्ट 108, 100 से कितना अभव है तो 8 इसी में जोड़ेंगे तो 116, 8 का स्क्वायर 64, जब भी लेगा पेयर ना तो पेयर से ज्यादा ना पेयर से कम। 112, 112, 100 से कितना अधिक है 12 इसी में जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 124, और 12 के स्क्वायर 144, 12 के स्क्वायर 144, तो हम बोलेंगे 125-44। क्या बोलेंगे हम 125-44। नेक्स्ट 115, 100 से कितना अधिक है तो 15 इसी जोड़ देंगे तो 130, और 15 के स्क्वायर 225, बोलेंगे 132-25। जानते हैं जब भी लेगा पेयर लेगा ना तो पेयर से ज्यादा लेगा ना पेयर से कम लेगा, हमेशा ये पेयर ही लेगा, अगर पेयर नहीं है तो जीरो लगा के पेयर बनाएंगे, पेयर है तो डायरेक्ट पुट करेंगे, अगर पेयर से आपका जो है ना ज्यादा है तो एक अंक इसके साथ प्लस कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा 132-25। नेक्स्ट 122, 100 से कितना अधिक है 22 इसी में जोड़िए तो कितना हो जाएगा 144, और 22 का स्क्वायर होता है 484, जिसको बोलेंगे 148-84। नेक्स्ट 126, 100 से कितना अधिक है ये बताइए, 100 से कितना अधिक है तो आपका जवाब आएगा 26 इसी में प्लस कर दीजिए 152, 26 के स्क्वायर 676, जिसको बोलेंगे 158-76। नेक्स्ट 132, 100 से कितना ज्यादा है 32 इसी में प्लस कर दिया जाए, 32 इसी में प्लस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा आपका 164, और 32 के स्क्वायर 1024 तो हो जाएगा 17424। तो एक सवाल आ गया सर 32 का स्क्वायर क्या किया, तो सुनिए 32 50 से 18 कम, 25 में 18 घटाएंगे तो 7,
18 का स्क्वायर 324, 7 3 1024, नहीं समझ में आया। 32 50 से कितना कम 18 है, 25 में 18 घटाएंगे 7, 18 का स्क्वायर 324, जिसको बोलेंगे 1024, जिसको क्या बोलेंगे 1024। ध्यान दे 1024 में 4 डिजिट है, जब भी लेगा पेयर तो दो अंक यहां रख दीजिए सामने में, और दो अंक इसके सामने जो आ रहा है सबको प्लस कर दीजिए, तो क्या आएगा 17424। तो एक काम करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट। पचास से जितना कम रहता है उतना हम 25 में क्या करते हैं लेस, और अंत में उसी का स्क्वायर करते हैं। 50 से जितना ज्यादा है तो 25 में हम प्लस करते हैं, और अंत में जितना ज्यादा है उसी का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, और 100 से जितना कम रहता है तो उसी में लेस करके, और जितना कम उसी का स्क्वायर करते हैं, 100 से ज्यादा है तो प्लस करते हैं। 100 to 200। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे 142, 142, 100 कितना देखें 42, 42 इसी में जोड़ेंगे 184, 42 का स्क्वायर होता है 1764। अब 42 का स्क्वायर कैसे, तो 42 50 से कितना कम है, 42 50 से कितना 8, 25 में 8 घटाएंगे 17, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, जिसको बोलेंगे ध्यान दीजिए 46102। नेक्स्ट ध्यान देंगे 149, ये बताइए 149 100 से कितना ज्यादा है, तो 49 ना 49 इसी में जोड़ दिया जाए तो 198, 49 का स्क्वायर होता है 2401, 2401। अब 49 का स्क्वायर निकाले कैसे है, तो 49 50 से एक कम, 49 जो है 50 से कितना कम, एक कम, तो 25 में एक हटा देंगे 24, एक का स्क्वायर एक ना बोल के 01 बोलेंगे, तो क्या होगा 2401 हो जाएगा 1022202001 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चलते हैं दो के बाद तीन नंबर 152, 100 से कितना अधिक है 52, 52 इसी में जोड़ दिया जाए तो 204, 52 के स्क्वायर होता है कितना आपका 2704, कैसे वो जानते हैं, 52 50 से दो अधिक, 25 में दो जोड़ेंगे 27, और दो के स्क्वायर 4 ना बोल के 04 बोलेंगे, दो के स्क्वायर 4 ना बोल के 04 बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 40132। नेक्स्ट आपका 164, आप ये बताइए 100 से कितना अधिक है ये 64, इसी में प्लस कर दिया जाए, 64 इसी में प्लस कर दिया जाए तो 228, 64 का स्क्वायर होता है 4096, 64 का स्क्वायर होता है 4096, तो मैंने सवाल आया सर 64 का स्क्वायर 4096 कैसे, तो 25 से 50 का बीच का कॉन्सेप्ट यूज करिए आप, सॉरी 64 है ना, तो 50 से आपका कहां तक 75 के बीच का कॉन्सेप्ट यूज करिए आप, कितना अधिक है ये बताइए आप, 50 से कितना अधिक है 40, तो 25 में 64 का ही ना निकालना आपको, तो 50 से कितना अधिक है 14, 25 में 14 जोड़ेंगे तो 39, अब 14 का स्क्वायर 196, इसको बोलेंगे 4096, जिसको क्या बोलेंगे 4096, जब भी लेगा पेयर लेगा ना तो पेयर से ज्यादा ना पेयर से कम, तो जोड़िए 69862, इसका आंसर क्या हो जाएगा 26896। तो नेक्स्ट ध्यान देंगे आप 172, बताइए 100 से कितना अधिक है, तो 72 इसी में प्लस कर दिया जाए तो 244, रुक जाइए, अब 72 50 से 22 अधिक है, 25 में 22 जोड़ेंगे 47, 22 का स्क्वायर 484, 47 4 51 84, 48592, तो आंसर कितना होगा 29584। ध्यान दीजिएगा 181, ये बताए 100 से कितना अधिक है 81 इसी में प्लस कर दिया जाए तो 2 आपका कितना हो जाएगा 262, 81 के स्क्वायर 6561, अभी हम बताए थे आपको 81 के स्क्वायर 6561 कैसे, ध्यान दीजिए
इक्यासी हंड्रेड से कितना कम, उन्नीस, उन्नीस इसी में लेस करेंगे तो बासठ, उन्नीस का स्क्वायर 361, जिसको बोलेंगे पैंसठ इकसठ, इसको क्या बोलेंगे पैंसठ इकसठ। तो ऐड कीजिए 1 6 7 2 3 तो हो जाएगा 32761। नेक्स्ट 1 आपका 88, ये 100 से कितना अधिक, 88, 88 इसी में प्लस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 16 6 रिमाइंडर 1, 16 17 7 रिमाइंडर कितना 1 1 1 2। अच्छा 88 ना 100 से 12 कम, 12 इसी में घटेंगे 76, 12 के स्क्वायर 184, तो 76 और 1 77 कितना 44, कितना 77 44 77 44। एक बार फिर से नहीं समझ में आ रहा हो तो ध्यान दीजिए, 88 100 से 12 कम, 12 सिमलेस करेंगे तो 76, 12 के स्क्वायर 144, जिसको बोलेंगे 77 44, प्लस कर दिया जाए 77 44 तो हो जाएगा 4 4 13 के 3 रिमाइंडर 1, 14 15 5 रिमाइंडर 1 2 1 3। नेक्स्ट आपका 196, ये 100 से कितना अधिक है, 96 इसी में प्लस कर दिया जाए, 96 इसी में क्या कर दिया जाए प्लस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 292। अब रुक जाइए, 96 जो है, सब लोग ध्यान देंगे सर, 96 जो है आपका 100 से 4 कम, 4 इसी में घटाएंगे 92, 4 का स्क्वायर 16, जिसको लेंगे 6 1 4, 18 का रिमाइंडर 1 2 1 3, 38 416 बोलेंगे। ध्यान लीजिएगा एक बार फिर से, 196 कितना 100 से अधिक है, 96 सीम जोड़ेंगे तो जाएगा 292, और 96 के स्क्वायर तो बोलेंगे 92 16, 96 का स्क्वायर 92 16 कैसे आया, 96 50 100 से कितना कम 4, 96 4 घटाएंगे 92, और 4 का स्क्वायर 16, जिसको बोलेंगे 38416, 38416। नेक्स्ट 1 आपका 98, ये बताइए 100 से कितना ज्यादा है, ये 98 इसी में प्लस कर दिया जाए, 98 इसी में प्लस कर दिया जाए क्या हो जाएगा 296, और 98 का स्क्वायर कितना होता, अच्छा 100 से कितना कम है 98, 2 98 में घटाएंगे तो 96, और 2 के स्क्वायर 4 ना बोल के 04, तो 4 0 2, 18 19 का रिमाइंडर 2 1 3, क्योंकि जब भी लेगा पेयर ना तो पेयर से ज्यादा ना पेयर से कम। नेक्स्ट 199, ये बताइए 100 से कितना ज्यादा है, 99 इसी में प्लस कीजिए तो 298, और 99 के स्क्वायर 9801, 39601, 39601 कैसे, ध्यान दीजिए 99 100 से कम, 99 में घटाएंगे 98, एक का स्क्वायर 1 ना बोल के 01, क्योंकि जब भी लेगा पेयर ना तो पेयर से ज्यादा ना पेयर से कम। तो 200 तक स्क्वायर किस तरीका से निकालते हैं समझ में आया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे स्क्वायर रूट किस तरीका से, सेकंड वीडियो में स्क्वायर रूट किस तरीका से आपका निकालते हैं उस पे वर्क करेंगे आपका, उसके बारे में जानकारी आपको देंगे। आज यहाँ तक, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।